हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मल्टीप्लिकेशन इन वन लाइन। हाँ फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन इन वन लाइन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर थ्री डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो तो हम लोग थ्री लाइन में करते हैं, फोर डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो तो हम लोग फोर लाइन में करते हैं। बट आज हम आपको बताएंगे मल्टीप्लिकेशन केवल और केवल एक लाइन में हम लोग कैसे करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चंस होगा जिसको आप सिंगल लाइन में ही सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट के। तो हम पहले क्या करेंगे, आपको छोटा छोटा डिजिट लेकर के समझाएंगे। पहले हम लोग ले लेते हैं 2, 3 और 1, 2। सबसे फर्स्ट करेंगे इसको 3, 2, 6। इसके लिए हम लोग ऐसा नोटेशन देंगे। उसके बाद 2, 2, 4 और 3, 1, 3, 4 और 3, 7। उसके बाद इसके लिए हम लोग ऐसा नोटेशन देंगे। उसके बाद 2, 1, 2, तो फिर हो जाएगा यहाँ पे 2, 2, 76। ये मल्टीप्लिकेशन हम लोग किसमें देखे, एक लाइन में, ये दो डिजिट का था। अब हम आपको बताने वाले थ्री डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, वो भी एक लाइन में। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। हम लोग लेते हैं थ्री डिजिट, हम लोग ले लेते हैं 4, 3, 2 और 2, 1, 3। ठीक है, देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2, 3, 6। ये था एक डिजिट के लिए, दो डिजिट के लिए 3, 3, 9 और 2, 9 और 2, 11, 11 का 1, carry 1। फिर देखिए ये था हम लोग का टू डिजिट के लिए। अब थ्री डिजिट के लिए 4, 3, 12 और 2, 2, 4, 16 और 3, 1, 3, 16 और 3, 19 और 1, 20 का 0, carry 2। ये हम लोग थ्री डिजिट के लिए क्या रूल होता है, ऐसा मीन्स इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। जब हम लोग लास्ट डिजिट तक पहुंच जाते हैं तो यहां से एक डिजिट को छोड़ देते हैं। उसके बाद दो डिजिट, दो डिजिट के लिए 4, 1, 4 और 3, 2, 6, 4 और 6, 10 और 2, 12, 12 का 2, carry 1। ये था हम लोग का फिर से टू डिजिट का। उसके बाद फिर से एक डिजिट हम लोग छोड़ देंगे और फिर वन डिजिट का 4, 2, 8 और 1, 9। हाँ फ्रेंड्स, ये हम लोग एक लाइन में कर पाए। अब हम आपको बता रहे हैं फोर डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, वो भी एक लाइन में। अब ध्यान से वीडियो को देखते रहे। 2, 3, 1, 4, 5, 2, 3, 2। ये देखिए 4, 2, 8 वन लाइन के लिए। सेकेंड लाइन के लिए 4, 3, 12 और 2, 1, 2, 12 और 2, 14, 14 का 4, carry 1। दो डिजिट के लिए क्या रूल होता है ये। उसके बाद थ्री डिजिट के लिए, थ्री डिजिट तक आपको आता है 3, 2, 6 और 4, 2, 8, 6 और 8, 14 और 3, 1, 3, 14 और 3, 17 और 1, 18, 8, carry 1। ये था हम लोग का थ्री डिजिट तक का रूल। उसके बाद हम लोग आते हैं फोर डिजिट में, एक करके डिजिट को बढ़ेंगे। 5, 4, 20 और 2, 2, 4, 24 और 3, 3, 9, 24 और 9, 33, 33 और 2, 1, 2, 33 और 2, 35 और 1, 36, carry 3। ये हम लोग का फोर डिजिट के लिए था, ये था फोर डिजिट के। ध्यान से एक बार और देखें फोर डिजिट के लिए 2, 2, 4 और 4, 5, 20, 24 और 3, 3, 9, 33 और 2, 35 और 1, carry 36 का 6, carry 3। उसके बाद जब लास्ट डिजिट तक पहुंच जाते हैं तो यहां से एक डिजिट को हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद थ्री डिजिट का 2, 3, 6 और 5, 1, 5, 6 और 5, 11 और 3, 2, 6,
11 और 6 17 और 3 20 0 कैरी 2। फिर हम लोग एक एक डिजिट घटते जाएंगे, 3 डिजिट का रूल, फिर से यहां से हम लोग एक डिजिट को छोड़ देंगे, उसके बाद 5 3 जार 15 और 2 2 जार 4, 15 और 4 19 और 2 21, 1 कैरी 2। ये था हम लोग का दो डिजिट का रूल। उसके बाद फिर से एक डिजिट छोड़ देंगे, 5 2 5 जार 10 और 2 12। ये हम लोग देखे 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन वन लाइन में। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऊपर का डिजिट और नीचे का डिजिट सेम हो तभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम लोग ऊपर का डिजिट अगर 4 हो और नीचे का डिजिट 2 हो या 3 हो तब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन एक लाइन में करेंगे। आपको पहले हम 5 डिजिट तक का बता दें, उसके बाद हम उस आपको उस टाइप का भी मल्टीप्लिकेशन बताएंगे। ये 5 डिजिट का था, ये 4 डिजिट का था, अब हम आपको 5 डिजिट का बता रहे हैं। 5 डिजिट के लिए क्या करते हैं, हम छोटा छोटा डिजिट ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो और आपको समझ में आए। 2 1 2 3 4, 2 3 5 2 1, ये है आपका 5 लाइन, 5 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। तो 4 1 4, ये हो गया ऐसा 1 डिजिट के लिए। 2 डिजिट के लिए 4 2 8 और 3 11, 11 का 1 कैरी 1। 2 डिजिट का रूल क्या होता है, ये 2 डिजिट का रूल है। 3 डिजिट का 5 4 5 20 और 2 1 2, 22 और 3 2 6, 28 और 1 29, 9 कैरी 2। 3 डिजिट का रूल क्या था ये, उसके बाद 4 डिजिट, 4 3 12 और 1 1 1, 13 और 5 3 15, 13 और 15 28 और 2 2 4, 28 और 4 32 और 2 34, 4 कैरी 3। ये था 4 डिजिट का। 4 डिजिट का भी हम रूल आपको बताए थे डबल क्रॉस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 5 डिजिट में, ध्यान से देखते रहे। 4 2 8 और 2 1 2, 8 और 2 10 और 2 1 2, 10 और 2 12 और 3 3 9, 12 और 9 21 और 5 2 10, 21 और 10 31 और 3 34 का 4 कैरी 3। और जब हम लोग 5 डिजिट तक पहुंच जाएंगे, 5 डिजिट का रूल ये डबल क्रॉस और एक ऐसे परपेंडिकुलर टाइप, यहां तक आगे। उसके बाद जब 5 डिजिट तक पहुंच जाए तो एक एक डिजिट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करते जाना है। फिर 4 डिजिट बचा, 4 डिजिट के लिए 3 2 6 और 2 2 4, 10 और 5 1 5, 15 और 3 2 6, 15 और 6 21 और 3 21 और 3 24, 4 कैरी 2। ये था हम लोग का 4 डिजिट का। उसके बाद एक डिजिट हम लोग फिर से छोड़ देंगे, उसके बाद 3 डिजिट, 2 5 10 और 2 2 4, 14 और 3, 14 और 3 17 और 2, 17 18 19, 9 कैरी 1। 3 डिजिट का रूल। आप पैटर्न को देखिए, हम चाह रहे हैं कि आप पैटर्न सीखे कि हम लोग कर कैसे रहे हैं। 3 डिजिट के बाद एक डिजिट फिर से छोड़ देंगे, उसके बाद 2 डिजिट, 2 3 6 और 1 2 2 1, तो 6 और 2 8 और 1 9, 9 कोई कैरी नहीं बचा। ये था हम लोग का 2 डिजिट का। अब फिर से एक डिजिट छोड़ देंगे तो 2 2 4। तो आप देखिए कि पैटर्न कैसे चल रहा है, वो पैटर्न हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं इसके थ्रू। ये था 5 डिजिट का। अगर आपके लिए 6 डिजिट का हम पैटर्न लिखे, ये था आपका 5 डिजिट का पैटर्न। अगर हम 6 डिजिट का पैटर्न लिखे तो कैसे लिखेंगे, ये ऐसे ही चलेगा। 1 डिजिट के लिए, 2 डिजिट के लिए, 3 डिजिट के लिए, 4 डिजिट के लिए, 5 डिजिट के लिए। अब 6 डिजिट के लिए तो कैसे करेंगे, ट्रिपल क्रॉस। उसके बाद हम लोग फिर से 5 में आएंगे, 5 का आपको ऑलरेडी पता है, फिर 4 में आएंगे, फिर 3 में आएंगे, फिर
टू में आएंगे और फिर वन में आएंगे। ये सिक्स डिजिट का पैटर्न था। अब हम आपको बता रहे हैं सेवन डिजिट का पैटर्न। सेवन डिजिट का पैटर्न कैसा होता, सबसे फर्स्ट में एक, उसके बाद हम लोग दो डिजिट लेते, उसके बाद हम लोग थ्री डिजिट लेते, उसके बाद हम लोग फोर डिजिट लेते, उसके बाद हम लोग फाइव डिजिट, फिर से सिक्स डिजिट। सिक्स डिजिट के बाद इस बार कितना आना है हम लोग को, सेवन तक, ट्रिपल क्रॉस और एवर परपेंडिकुलर। उसके बाद हम लोग फिर से आ जाते हैं सिक्स डिजिट पे, फिर फाइव डिजिट पे, फोर डिजिट पे, फोर डिजिट के बाद थ्री डिजिट पे, फिर टू डिजिट पे, फिर वन। इसी पैटर्न से आप कितना भी डिजिट का मल्टीप्लीकेशन को एक ही लाइन में कर सकते हैं। ये तब है जब ये मल्टीप्लीकेशन ऊपर और नीचे का डिजिट सेम हो। तो अब हम लेते हैं एक एग्जांपल जिसमें डिफरेंट डिजिट हो, मीन्स ऊपर का डिजिट कुछ ज्यादा हो और नीचे का डिजिट कम हो। आशा करते हैं आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके या फिर से रिपीट करके देखें। अब हम लेते हैं कि ऊपर का डिजिट सपोज टू थ्री टू फोर है और नीचे का डिजिट सपोज टू और थ्री। इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जहां पे डिजिट नहीं है वहां पे आप जीरो डाल दीजिए बस, और सेम पैटर्न पे आपको मल्टीप्लाई करना है। देख लीजिए, फोर थ्री जार ट्वेल्व, टू कैरी वन, पैटर्न भी हम लोग लिखते जाते हैं। उसके बाद दो डिजिट का, टू थ्री जार सिक्स और फोर टू जार एट, सिक्स और एट फोर्टीन और वन फिफ्टीन, फाइव कैरी वन, दो डिजिट के लिए क्रॉस, थ्री डिजिट के लिए, थ्री थ्री जार नाइन और ये तो जीरो हो गया, और ये फोर, नाइन और फोर थर्टीन और वन फोर्टीन, फोर कैरी वन, थ्री डिजिट का पैटर्न क्या था ये। उसके बाद फोर डिजिट, थ्री टू जार सिक्स, ये जीरो हो गया, फिर ये भी जीरो हो गया, और ये फिर सिक्स, सिक्स और सिक्स ट्वेल्व और वन थर्टीन कैरी वन, ये था मेरा फोर डिजिट पैटर्न। उसके बाद जब फोर तक पहुंच गए तो यहां से एक कम कर देंगे, टू टू जार फोर, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, फोर और वन फाइव, कुछ भी कैरी नहीं बचा, फिर से एक डिजिट छोड़ देंगे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, फिर से कुछ नहीं बचा, ये पैटर्न पे कुछ नहीं बचा, थ्री पैटर्न पे, टू पैटर्न पे ये जीरो हो गया, फिर इसको छोड़ दिए, ये भी जीरो हो गया। मीन्स हम लोग का मल्टीप्लीकेशन इतना आएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हम आपको मल्टीप्लीकेशन एक लाइन में बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरे नेक्स्ट आने वाला वीडियो देख सके सबसे पहले। आज आपके लिए एक क्वेश्चन ये है, आप इसको सिंगल लाइन में ही मल्टीप्लाई करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपके लिए क्वेश्चन है टू थ्री फोर और फोर थ्री टू, इसको आप सिंगल लाइन में मल्टीप्लाई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।